लेबल नेक्स्ट क्या है? लेबल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेबल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। बत्तीस नंबर काव्य देव दुंदुभि वाद्य। आप सभी जानते हैं इस सृष्टि में हर समय धुन चलती है, रिदम चलता है, वाद्य चलते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन वह स्वर आपके कानों में गुंजायमान होते रहते हैं। जब भगवान का जन्म होता है 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, सभी रिदम एक साथ आनंद के साथ बजाए जाते हैं, तो जिनके कानों में प्रॉब्लम हो, जो बहरे हो, सुनाई नहीं देता हो, बस इस काव्य को एक बार जिस पद्धति से मैं बता रहा हूं उस पद्धति से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब तक कान है तभी तक दुकान है, और कान काम नहीं करेंगे तो आप दुकान पर बैठ नहीं सकते। ये कान है तो ही आपका मरण समाधि के साथ हो सकता है। कोई संत आपके कानों में नमोकार समाधि पाठ सुना करके आपका मरण समाधि के साथ करा सकता है। आप पहले इस काव्य को बड़े मनोयोग के साथ शुद्ध करेंगे, गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस, गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य नहीं त्रैलोक्य, लोक शुभ संगम भूति दक्षः, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन, सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन, खे दुंदुभिर् ध्वनति ते यश सह प्रवादी, खे दुंदुभिर् ध्वनति ते यशसः प्रवादी। पूरा काव्य ध्यान से सुनेंगे, गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन, खे दुंदुभिर् ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ध्यान से इस काव्य को संगीत में मनोभावना के साथ सुनेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन, खिदुंदुभिर् ध्वनति ते यशसः प्रवादी।
शब्दार्थ देखेंगे, गंभीर तेज आवाज में, तार उच्च, रव शब्दों से, पूरित पूर दिया, दिग विभागा दिशाओं के विभाग, त्रैलोक्य तीन लोकों के योग्य, लोक तीनों जगत, शुभ कल्याण प्रद, संगम समागम, भूति संपत्ति, दक्षः निपुण, सद्धर्म तीर्थंकर देव, जय घोषण जय घोषणा को, घोषका घोषणा करने वाला, सन अब खे आकाश में, दुंदुभिः बड़ा ढोल ध्वनति शब्द करता है, ते आपके यशसः यश की प्रवादी, उत्कृष्ट कथन करने वाला। भावार्थ, हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को एकत्रित करने वाले दुंदुभि जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि से बजाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो यह देव दुंदुभि तीनों लोकों के प्राणियों का कल्याण करने के लिए आवाहन करती हुई समीचीन जैन धर्म एवं उसकी प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकार करती हुई आपकी कीर्ति का यशोगान कर रही है। यह अरिहंत देव का पांचवा प्रातिहार है। आप देखिए, यहां पर देव 12.5 करोड़ बाजे बजा करके क्या कहना चाहते हैं, समागम का संदेश दे रहे हैं। कैसा समागम? शुभ समागम, क्योंकि दुंदुभि से ही पता चलता है, वाद्य यंत्र से ही पता चलता है कि शुभ समाचार है या अशुभ समाचार है। जब कभी संगीत बजता है, आज मेरे यार की शादी है, इतना ही संगीत से पता चल जाता है कि किसी की शादी की बारात निकल रही है। यदि बाहर से धुन चलती है, रिदम चलता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इस धुन में यदि आप कोई बैंड बजा रहा हो, आपको तुरंत पता चलता है कि किसी की सब यात्रा निकल रही है। यदि कहीं से धुन बज रही हो, आप समझ गए ना, तुमसे लागी लगन तुरंत आप गुनगुनाने लगते हो। जब एक बार कोई हारमोनियम से धुन निकालता है, तुरंत आपको पता चल जाता है यह इस भजन की धुन है, यह इस गाने की धुन है, यह इस कीर्तन की धुन है। सिर्फ आपने हारमोनियम बजाया, ढोलक बजाते ही पता चल जाता है। रिदम जहां जहां पर आपको बजते सुनाई देते हैं, तुरंत आपको पता चल जाता है यह किस गाने की धुन है। ये धुन किसकी है? सद्धर्म राज जय घोषण घोषिका सन। ये सद्धर्म राज, क्योंकि धर्म राज है, धर्म की नेता है, धर्म की प्रेरणेता है, ऐसे तीर्थंकर की ध्वनि को सुनने के लिए, ध्वनि के प्रति आकर्षित करने के लिए देव दुंदुभि वाद्य यंत्र बजा करके सभी जीवों को भगवान की वाणी की ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि यह यश सह प्रवादी, यह यश को बढ़ाने वाली है, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। तो यहाँ आचार्य मानतुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिनकी कानों में स्वर की कमी आ चुकी है, जो सुन नहीं सकते हैं, बस इस तरीके से हाथ को लगा करके गुनगुनाते हुए इस काव्य का उच्चारण करते रहे। उसके बाद इस पॉइंट पर धीरे धीरे हाथ लगाते हुए, महसूस करते हुए
इस काव्य का उच्चारण करते रहे। इसके बाद इस पॉइंट पर हाथ घुमाते हुए रखते हुए इस काव्य को उच्चारित करते रहे। इसके बाद इस तरीके से घुमाते हुए इस काव्य का उच्चारण करते रहे। जिनके जीवन में प्रमाद बढ़ चुका है, आलस पड़ चुका है, देखिए सामने कैसे प्रमादी जीव सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई काम में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब आलस क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशी को खत्म कर दिया। उन्होंने कभी जीवन में रिदम नहीं सुना, आनंद नहीं सुना। जब कभी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जब रिदम के साथ चलाता है, उसे थकावट का एहसास नहीं होता है, ना उसके अंदर आलस होता है। बहुत आत्मीयता के साथ, संगीत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। एक बार आप भी प्रभु के संगीत में खो जाएं, ऐसे खो जाएं जैसे वाद्य यंत्र बजाते बजाते देव भक्ति में खो जाते हैं। जब आप इस संगीत में खो जाओगे, आप संगीत के साथ बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कारागृह से मुक्ति कैसे पाई? संगीत के साथ। जब संगीत के साथ भक्तामर गाया, बड़े रिदम के साथ गाया, गंभीर तार रव पूरित दिक् विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्म राज जय घोषण घोषिका सन खेदुंदुभिर ध्वनति ते यश सा प्रवादी। जब संगीत के साथ मानतुंग आचार्य ने काव्य पाठ किया, ताले टूट जाते हैं, मानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर आ जाते हैं। कितने सारे उदाहरण तुम्हारे पास हैं, जब तानसेन अपनी तान छेड़ता था, अकस्मात आकाश से बादल फट जाते थे, झमाझम पानी की बरसात हो जाती थी। ऐसे ऐसे समय में पहले गायककार थे, रिदम संगीतकार थे, जब अपने संगीत की धुन चलाते थे, अपने आप अंधेरे में भी प्रकाश हो जाया करता था। इस संगीत में संसार के साथ जब हम अपने आप को आत्मसात कर देते हैं, तो सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे राग हैं, भैरवी राग है जो आपके लिए वात पित्त कफ को मिटाता है, जौनपुरी राग है अपान वायु को ठीक करता है, राग बिलावल है जो टीबी जैसा रोग है, भूपाली राग है जिनका रक्तचाप बढ़ रहा है उसको ठीक करने वाला है, इसको दरबारी राग है तो जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है उसका भी समाधान दरबारी राग के माध्यम से होता है, जिन्हें तेज बुखार आता है तो बसंत बहार एक राग है, इसके साथ आप सुनेंगे तो आपका ज्वर ठीक होगा, और जिन्हें त्वचा रोग हो चुका है वह मुल्तानी राग के साथ यदि पाठ सुनते हैं तो उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो यह राग है, यही राग आपके अंदर के सारे रोग को मिटा करके आपके जीवन को आनंदित बना सकता है। इसके साथ साथ जिनको उदर की बीमारी है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो वह इस पेट को ढोलक मान करके इस तरीके से हल्का हल्का बजा करके इस काव्य की साधना करते रहेंगे। संग्रहणी जैसे रोग, पेट के जैसे रोग भी आपके ठीक हो सकते हैं। इस काव्य के साथ साथ एक रिद्धि जाप भी है, वो रिद्धि जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण बंभयारीणम झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो राम ह्रीं रूं ह्रौं रः सर्व दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वांछा पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हल्का सा वाद्य यंत्र सुनते हुए, जैसे आप सुन रहे हैं वाद्य यंत्र सुनते हुए इस काव्य को आत्मसात करेंगे। एक मुद्रा है जिस मुद्रा का नाम शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा में आप बैठ जाइए, बहरापन होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप बैठ करके इस काव्य की आराधना करेंगे, आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा, कान में स्वर आएगा। प्रभु से ही प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा
वाद्य यंत्र बजते रहे, शुभ समागम मिलता रहे, हमेशा सत्संग से आपका जुड़ाव बना रहे, यह भाव लेकर के यह काव्य आपके बीच में मैंने रखा है। बड़े मनोभाव के साथ आपने सुना है। बस प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी शुभ समागम सदा प्राप्त होता रहे और आपका जीवन आनंदित और प्रसन्न चित्त होता रहे। यही भावना के साथ आपके लिए बहुत बहुत हस्तलिपि भक्तांबर महास्त्रोत्र एक अभियान, डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है, अरे लिखवाने वाला न मुकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि एक मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का अपने हाथ से लेखन करना है और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ करके भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जो हमारे अपने हैं, अनुज हैं, और वह उस 48 काव्यों को 48,000 मीटर वस्त्र पर 48 भाषाओं में लिपिबद्ध करा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने फिर से मानतुंगाचार्य को लोगों की आस्थाओं में स्थापित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद शायद ही कोई इस तरह से भक्तांबर महामंडल की महिमा, उसका पूजन अर्चन, उसकी साधना, उसके महत्व को समझ पाया होगा। ऐसा कार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के द्वारा हो रहा है, जन जन उससे जुड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि शुभोपयोग का इससे बड़ा कोई साधन हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है। पंचम काल में शुभोपयोग ही मोक्ष का कारण है, वही निर्वाण का कारण है। हमें सतत शुभोपयोगी बनकर के अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। प्रणाम।